हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी ऑन सेल्फिंग. दिस इज सेल्फिंग सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट विच इज द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन. पहला है हमें 3:1, दूसरा है 1:1, तीसरा है 9:3:3:1 एंड लास्ट है 27:9:9:9:3:3:3:1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कंसेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी जीनोटाइप एंड फीनोटाइप. जीनोटाइप एंड फीनोटाइप. सो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है हमारा सेट ऑफ जीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, डीएनए में, एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर यूनिक ट्रेट और कैरेक्टर्स. एंड अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप है हमारा फिजिकल अपेयरेंस. फिजिकल अपेयरेंस या फिर आप कह सकते हो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल अपेयरेंस और कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये हो जाता है हमारा फिनोटाइप. सो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें डिटरमाइन करना है फिनोटाइप रेशियो ऑफ इन दी F2 जनरेशन, है ना. जब हम सेल्फिंग कराते हैं फॉर ए प्लांट इन F1 जिसका आपका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, राइट. सो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ट्रेट सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस एंड रिकॉम्बिनेशन. सो हमें यहाँ पे दिया है F1 प्लांट दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी. सो यहाँ पे जो आपका ए ए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर जीन ए, ठीक है. कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है हेटरोजाइगस फॉर बी. एंड सी की अगर हम बात करें तो ये भी आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर जीन सी. सो फिनोटाइपिक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम बात करते हैं फॉर जीन ए की बात करते हैं तो जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल जो होगा ये हमेशा प्रोड्यूस करेगा ओनली डोमिनेंट एलील्स जो है आपका ए. सो जो फिनोटाइप होगा वो यूनिफॉर्म होगा फॉर ट्रेट ए. अगर हम बात करते हैं फॉर जीन बी, यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये सेग्रीगेट करेंगे, ये दो फॉर्म देंगे, एक तो कैपिटल बी और एक देंगे स्मॉल बी. सो अगर हम सेल्फिंग कराते हैं इन दोनों की, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी, सो यहाँ पे जो आपका फिनोटिपिक रेशियो आएगा दैट वुड बी 3:1 जो कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, बी से जो कि एक रिसेसिव फिनोटाइप है, ठीक है. तो इस केस में ये होगा. अब हम बात करते हैं फॉर जीन सी, जीन सी. सो आप देख सकते हैं कैपिटल सी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमेशा डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस करेगा सी. सो जो फिनोटाइप होगा ये भी यूनिफॉर्म रहेगा इसके लिए. सो जो अगर हम कंबाइन करते हैं रिजल्ट्स को, क्योंकि हमें पता है ए एंड सी जो है डोमिनेंट है, ए एंड सी ये दोनों आपके होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमो जाइगस डोमिनेंट है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे वेरिएशन में इन हिम फिनोटाइप्स. बट वेरिएशन कब आएगा? जब सोलली हमारा बी जीन यहाँ पे यूज हो रहा है. तो अगर हम बी जीन की बात करते हैं तो अगर हम क्रॉसिंग करवाएंगे कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, सो यहाँ पे आएगा आपका 3:1. इसका मतलब 3 आपके क्या आएंगे, डोमिनेंट होगा, और 1 आपका क्या होगा यहाँ पे, रिसेसिव फिनोटाइप होगा. सो जब हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे F2 जनरेशन में तो यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा 3:1. सो करेक्ट आंसर है हमारा 3:1 एंड बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.